मैं क्या कहूं कि मेरी क्या मजाल है, बस इतना कह रहा हूं कि हसन बेमिसाल है, बस इतना कह रहा हूं कि हसन बेमिसाल है। और इमाम हसन के बारे में आपको बताऊं, बस इमाम हसन का सबसे बड़ा कमाल यह है कि आप सिबते रसूलल्लाह है, रसूलल्लाह के नवासे, इससे बड़ी कोई फजीलत ही नहीं। रसूलल्लाह की बेटी के बेटे, वो बेटी जिसके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया, फातिमा तुबत अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है, रसूलल्लाह की बेटी के बेटे, और वो बेटे, वो बेटी के बेटे जब पैदा होने वाले है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल आए और जन्नत से जो है एक खत लाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खोल कर देखा, मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, जिब्राइल ये तो मेरे बचपन की तस्वीर नजर आ रही है, ये तो मेरे बचपन की तस्वीर नजर आ रही है। कहा, या रसूल अल्लाह, 3 दिन बाद आपकी बेटी के घर लड़का पैदा होगा जो हूबहू शक्लो सूरत में आपकी तरह होगा, ये फजीलत। और मौला अली शेर खुदा से रिवायत है और दीगर तुरुक से भी हदीस पाक आ रही है कि मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि सर से लेकर सीने तक रसूलुल्लाह की मुकम्मल तस्वीर, मुकम्मल शबाहत इमाम हसन में थी, और सीने से लेकर कदमों तक इमाम हुसैन हूबहू अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह थे। तो ये शक्ल सूरत वाले, हूबहू सरकार का चेहरा, सिर्फ चेहरा ही नहीं, अंदाज भी रसूलुल्लाह की तरह था, बोलना भी रसूलुल्लाह की तरह था, सखावत भी रसूलुल्लाह की तरह थी,